दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए यूट्यूब ब्लॉग में। मैं धीरज द परफेक्ट ब्लॉगर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ भागवत गीता संपूर्ण होने वाली थी, तो उसका आज आखिरी दिन है, तो उसी को लेके भंडारा है। तो हम चलते आपको दिखाते हैं हवन और भंडारा। एक तो हमारे घर में बाइकें इतनी हैं, देखो बाइकों की लाइन लगी पड़ी है, बाइकें। किसी को खरीदनी हो तो बताना मेरे को, मैं दिला दूंगा सस्ते रेट में। हम आ गए घर से बाहर, ये लगा हुआ भगवत गीता का पंडाल, और घर के बाहर ही है भंडारा। मुस्कनिया तेरी हार, ये चालू होगा भंडारा, ये भंडारा चालू हो चुका है। और ये हमारे आज के क्या हो कॉर्पोरेटर आयोजक, यही है आयोजक, तो वो बैठे हैं सर, वो है मट्टी बजा के सफाई चल रही है। वो हमारे एक और भाई साहब है, जूम करके दिखाता हूँ, जो हर चीज़ में आगे रहते हैं। खान साहब कैसे हो, गाड़ी लगाया? किसकी गाड़ी लगाओ, आशीष वाली चाबी मंगा लो, मेरे पास थोड़ी है, मैं तो वहाँ लगाया है? तो यहाँ कौन आ रहा है? अरे ये गाय, वो जो पीछे वाला कहना था, वो गाय के अंदर टेंट नहीं है, उसके बाद ये बल्ली बांध दे, टाइम पास करा जाओ। इमरान साहब आपकी पार्ट में बैठे हैं बहुत देर सुबह से, आज हमारी शेविंग कर दो, सुंदर सा बना दो। बोनी हमारे से आवाज है भैया, ये देखो ऊपर खड़ा खड़ा गेंद दिए जा रहा है, लाओ बल्ली सर, टूटी नहीं है, बच गई। हमें काम मिला है, हमें मिला है काम, कह रहा गाड़ी लगा दो ऐसे। आपने मेरे को हमेशा दूसरी गाड़ी में देखा होगा, आज हम पहली बार दूसरी गाड़ी में बैठे हैं इसकी में। ये है देखो ऑटोमेटिक गाड़ी है अपने पास, तो भाई मैनुअल गरीब आदमी मैनुअल गाड़ी है, ये अमीर साथ दे, इनके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है। गाड़ी लगा दी है, देखो बिल्कुल गली बंद कर रखी है, मैंने बाप का राज है ऐसे, ठीक है ना, गली बिल्कुल बीचों बीच, रोड बंद हो गया, बाइक लियो। देखो बिल्कुल गलियां बंद कर दी हमने, ये ऐसे खड़ा है इधर, ये हवाबाजी इसलिए तो थी इसकी, मैं छज्जे पे खड़े हो जाऊंगा, सबको लोगों को दिखाया करूंगा कि हमारे पास बड़ा बहस चल रही है बिना बात के। हलवा बनाओगे? हलवा बनेगा 100%, गाजर का बनवा लो, गाजर का बनवा लो, गाजर का मन का बना यार का, बड़ी बड़ी बात है। ए लखन नहीं दिए, ये झाड़ू अंदर होती है, सीख वाली से मारते हैं बाहर, लखन ले लो थोड़े से, वैसे तो है नहीं पर ले लो। टमाटर धो रहे इधर, और इधर भाई साहब आलू छीले जा रहे हैं, छिलो भाई छिलो काम करो, बढ़िया बर्तन धुल रहे हैं। हवन की तैयारियां हो चुकी है, देख लीजिए, ये हवन के लिए कुंड बन गया, ये हमारे पंडित जी आ गए। चलो मैं भंडारा दिखा कर आपको, भंडारा भी बन रहा है, भंडारे की भी तैयारी हो रही है। आचमन कराओ, आचमन, हाथ में जल दो सबको, पीना है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पी लो। हस्त प्रक्षाल्य ओम ऋषि कीसाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरणाथ महात्मने।
प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें छोड़ते हो सब लोग। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन। फूल चावल रोटी हाथ में रख लो, सीधे हाथ से थोड़े थोड़े छोटे थाली में चढ़ाने और नमः बोलना है। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में, व्यापार में, कारोबार में, बच्चों के जीवन में सुख शांति प्रदान करें, कोई भी भेदभाव उत्पन्न ना हो। भगवान नारायण का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि भगवान नारायण के शरीर में सभी देवी देवता विद्यमान है। अगर दक्षिणा हो तो अच्छी बात, ना हो तो चावल या पुष्प हाथ में ले लेंगे और वहां उसी स्थान पर छोड़ देंगे जो चौकियां बनी हुई हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, सभी लोग मंदिर तक जाएंगे भागवत जी को विदा करने के लिए। आगे आगे भागवत जी और पीछे पीछे सभी लोग परिक्रमा करते हुए, मंच की परिक्रमा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे, हमारे महाराज जी की तरफ से, मंदिर वाले पंडित जी की तरफ से, और गली मोहल्ला वालों की तरफ से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन के सभी लोग भंडारा पाने के बाद ही अपने घर के लिए प्रस्थान करें, और अगर नजदीक में हो तो अपने घर पहले कलश रख के आए, फिर उसके बाद भंडारा पाने के लिए आए। हाँ, सब लोग अपने अपने कलश अपने घर लेके जाएंगे। आपको बता दूं कि कलश कोई भी खाली हाथ न उठाए। 10-5 रुपए भागवत जी के स्थान पर समर्पित करेंगे, या जो वहाँ है जो कलश दे रहे हैं आपको उनको देंगे। उसके बाद आप लोग अपने कलश में, जो मंदिर की पंडितानी है, आप लोग उनको 10-5 रुपए कलश के निमित्त देंगे, क्योंकि खाली कलश नहीं उठाया करते। तो उसके बाद आप लोग कलश लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आज आप सबका बहुत सहयोग मिला, अच्छा रहा, अच्छा लगा सबके साथ में मिलजुल करके। ठाकुर जी करेगा अगली बार में मिलते जुलते रहेंगे। मारेंगे थोड़ी।
मारेंगे थोड़ी। तो गाइस देख लीजिए भंडारा खत्म हो चुका है, भागवत संपूर्ण हो चुकी है अच्छे तरीके से। बहुत देर तक चल रहा था भंडारा, आप लोग आए नहीं, मिस कर दिया आपने। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहे, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।